अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मेरे टेस्टी टेबल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मनचली की रेसिपी। तो चलो, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसमें 3 चम्मच खाने के चम्मच तेल ऐड किया है, उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 दालचीनी के पीस, 4 से 5 ब्लैक पेपर ऐड की है। जब ये हल्की सी चटकने लगे तो मैं इसमें कद्दूकस की हुई प्याज ऐड कर दूँगी। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। चलिए, मैंने कद्दूकस की हुई प्याज ऐड कर दिए। जब प्याज हल्के रंग की ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। एकदम सिंपल और आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है ये। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। मैंने 1/2 kg चिकन लिया था, प्याज ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हम भूनेंगे, चिकन का कलर चेंज ना हो जाए जब तक हम इसे भुनेंगे। कौन से शहर से आप देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, रेसिपी कैसी लग रही है। लगता है मुझे कि आपको रेसिपी अच्छी नहीं लग रही, तभी तो कमेंट नहीं कर रहे, कोई लाइक नहीं कर रहा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लग रही है। सिंपल और आसान रेसिपी है ये, एकदम घर के मसालों से बनी हुई। एक बार बनाकर ज़रूर देखिए मेरे तरीके से। तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहे तो कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और इसे भुनेंगे हम चिकन को अच्छी तरह से। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। चलो, चिकन हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला घर का पिसा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जितना पानी ऐड किया है और इसे हम मसाले में भूनेंगे चिकन को, ताकि मसाला चिकन में रस बस जाए। सुपर रेसिपी है ये, आसान तरीके से बनने वाली। प्लीज़ एक बार बनाकर मेरे तरीके से ज़रूर देखना। आप इसे रोटी, नान या चपाती के साथ में खा सकते हैं। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम भूनेंगे। चिकन में मसाला अच्छी तरह से भुना चुका है। अब मैं इसमें 2 पीसे हुए टमाटर ऐड करूंगी, जो मैंने ग्राइंडर में पीस लिए थे टमाटर। 2 टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके फीडबैक की बहुत बहुत ज़रूरत है, मुझे ज़रूर फीडबैक दे। चले, तो मैं इसमें 3 चम्मच दही ऐड करूँगी। दही को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा किचन तो खुशबू से भर चुका है। चलिए, तो चिकन में थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया, 1/2 गिलास जितना, और अब हम इसमें ढक कर पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से चिकन गल चुका है, देखिए कितना खूबसूरत कलर है चिकन का।
मैं इसमें बादाम, काजू और मगजतरी के बीज का पाउडर बना के रखा है मैंने, 3 चम्मच जितना मैं इसमें ऐड करूँगी। ड्राई रोस्ट करके मैं इसे पाउडर बना के रखती हूँ। ऑयल ऊपर आ चुका है चिकन का। चले हम बादाम, काजू और मगज तरी के बीज का पाउडर बना कर रखा था वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसे फटाफट घुमाइए ताकि गुठली ना पड़े। अगर आप ये सब पीस कर अच्छी तरह से डिब्बे में भर कर रखते हैं तो आपको डिश बनाने में एकदम आसानी हो जाती है, सब चीज़ तैयार होती है। तो एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी काजू और एक मुट्ठी मगज तरी के बीज, जिसे 4 मगज भी बोलते हैं, उसके बीज को ड्राई रोस्ट करके पीस कर डब्बे में भर कर रख दीजिए। कोई भी डिश बनानी हो तो आपको फटाफट इसमें डाल सकते हैं, एकदम आसानी हो जाती है, झटपट डिश बन जाती है। देखिए कितनी ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने फिर चेक किया है, चिकन में ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन बन के तैयार है। बहुत ही सुपर रेसिपी है ये, एक बार बनाकर ज़रूर देखना। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने 2 बॉयल अंडे करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप चाहे तो 2 पीस करके भी ऐड कर सकते हैं। देखिए है ना सुपर रेसिपी, ज़रूर आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है 1 चम्मच जितना। तो चले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, मुझे फीडबैक दे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।